रहबरे खेल टीचर्स उम्मीदों पे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हमारा नतीजा फैसला डिसीजन जल्द ही होगा। आपको बताते चले कि समर सीजन से ये लड़ाई चलती आ रही है। आपको गर्मियों में भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, और अब विंटर आ चुका है, विंटर सीजन चल रहा है, लेकिन अभी भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। मांगों की अगर बात करें तो मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। वहीं पर इसको लेके टीचर्स का क्या कुछ कहना है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी मैम, क्या कहें हम, नेशन जो नेशन बिल्डर है वो रोड्स पे है, जो कुंभ का भराने वाला है वो अब रोड्स पे, उसको नेशन बिल्डर को नेशन बेगर बनाया गया, जो कुंभ का बनाने वाला है उसको कुंभ का मुसाफिर बनाया गया, क्या कहे, ये मुसीबत है। थैंक यू। क्या लगता है आपको कि कब इसका नतीजा सामने आएगा? देखते हैं, रविंदर सर ने हमें आश्वासन दिया है जी। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि 2017 में मैं रिक्रूट हुआ था एज ए पुलिस में, तो जो वो जॉब जो ही मैं यहाँ पे 2019 में यहाँ पे अपॉइंट हुआ एज आरी के यहाँ पर रहबर खेल में ये हुआ था, अपॉइंट हुआ था, तो मैंने वहाँ पे रिज़ाइन किया था, ये सोच के रिज़ाइन किया था पुलिस से, नहीं तो वहाँ पे मुझे हैंडसम सैलरी मिलती थी, तो मैंने यही सोचा था, दिमाग में यही सोच था कि एक माइंड सेट सेटअप था कि मुझे 7 साल के बाद रेगुलराइज होना है और इसी पे काम करना है, तो मैंने एक आश रखी थी कि 7 साल के बाद मैं परमिट हो जाऊँगा, तब जाके मैंने वो पुलिस की जॉब छोड़ दी थी। आज देखो, आज हम रोड पे आए हैं और ये हमसे वो छीन रहे, जो हमारा हक है, जो हमारा राइट है, वो हमसे छीना जा रहा है। तो हमारी एलजी से यही डिमांड है कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है जो 7 साल का किया गया है और उसको 5 साल किया जाए, ताकि हमें भी एक इंसाफ मिले और हमें भी जस्टिस मिले। हम पिछले 10 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट पे है, हमारे साथ आश्वासन पे आश्वासन किए जा रहे हैं। अब हम चाहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जाग जाए इस यात्रा से। आज हमने इस यात्रा को निकाला, इसको हम जलाएंगे। अगर आज इन्होंने मसला हमारा हल नहीं किया तो कल हम इस पे चढ़ेंगे, कल हमारी बारी है, क्योंकि हमारा 4000 रुपये गुजारा नहीं हो रहा है। हमारी जो डिमांड है, हम गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं इसे कि हमारा 7 साल से प्रोबेशन पीरियड को 5 साल किया जाए। हम सारे जो यूथ से, मैं अपनी बात करूं तो मैंने साउथ कोरिया में गोल्ड मेडलिस्ट लाया है इंटरनेशनल खेल के, 20 नेशनल खेल चुका हूं अभी तक। जब मेरे फादर की लास्ट टाइम कैंसर से डेथ हुई थी तब भी मेरी ड्यूटी नेशनल पे लगी थी, मैं नेशनल पे जॉब दे रहा था और मेरे घर में फादर की कैंसर से डेथ हुई। अब मुझे बोलो मैं क्या करूं, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी 4 बहनें, उनका कौन ख्याल करे? अगर इनको यही करना है तो उन मेरी बहनों को, मेरे घर वालों को पहले जहर दो, उसके बाद मुझे दो और हमें इस शव यात्रा पर जलाने दो। हमारी यही डिमांड रहेगी कि गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट, जल्द से जल्दी हमारा प्रोबेशन पीरियड 7 साल से 5 साल किया जाए। लास्ट टाइम हम एलजी के पास गए थे तो हमने उनसे हैंड पर रिक्वेस्ट की थी कि हमारा मसला हल किया जाए, तो उन्होंने हमें बोला था आप बेटा प्रोटेस्ट उठाओ, हमने आपका मसला हल किया है, आपका रिजल्ट 7 डेज में आएगा। जी मैम, हमने लास्ट टाइम मैं प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट में उस टाइम एलजी साहब के पास हमने लगभग 15 दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, तो उसके गर्मी के सीज़न में उस धूप में हम यहाँ पे बैठे थे बीजेपी के ऑफिस के पास, तो उसके बाद हम रविंदर रैना के कहने पे एलजी के पास गए मीट के लिए, तो वहाँ पे हमने एलजी से मीट की, तो वहाँ पे एलजी सर से हमने रिक्वेस्ट की कि हमारा ये मसला है जो पोस्टों का डीफ्रीज और फ्रीज का मसला है, तो सर ने बोला वो ऑर्डर मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है, तो आपका मसला जल्द से जल्दी विद इन 7 डेज आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन तब से 7 महीने हो गए और हमारा कोई मसला हल नहीं हो गया। जी मैम, रविंदर रैना हमारे पास आते हैं, रोज आश्वासन देते हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। जब तक हम रिजल्ट नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से निकलेंगे, हम कश्मीर जाने के लिए इस बार नहीं आए वापस, जब तक कि हम अपना रिजल्ट और अपना हक लेके नहीं जाएंगे। चुके हैं कि जिस तरीके से अभी भी इन्होंने उम्मीदें लगाए हैं कि कहीं ना कहीं रविंदर रैना जी हमारा फैसला जरूर करेंगे, कोई ना कोई डिसीजन जो है जरूर निकल कर सामने आएगा, लेकिन
मांग की बात करें तो मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया और आज इनके तरफ से शव यात्रा भी निकाली गई, जो कि त्रिकुटा ऑफिस की बात करें यानी कि त्रिकुटा नगर भाजपा ऑफिस की बात करें वहां से लेकर रेलवे स्टेशन तक ये यात्रा जो है वो यानी कि रेलवे स्टेशन में ये यात्रा समाप्त होगी, शव यात्रा इनकी तरफ से निकाली गई है। इसको लेकर आपकी कुछ राय अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।